हुई है, तो मैंने उन्होंने कहा कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है ये, वो बड़े बड़े जब जब बड़ी कोई ज़्यादा बीमारी हो जाती है तो क्या फ़ायदा उस आयुष्मान कार्ड का, या हमें उसका कोई फ़ायदा है? 60-70 हज़ार के मैंने टेस्ट करवाए हैं और मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है जी यहाँ। जब 7 तारीख को मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं और वो किसी और की रिपोर्ट भेज देते हैं, बोलते हैं आपकी मदर को कैंसर है। आप मुझे बताएं, आपको कब पता चला कि वो रिपोर्ट आपकी माँ की नहीं है, किसी और की है? और क्या रिपोर्ट के ऊपर नाम जो है वो आपकी माता जी का ही लिखा हुआ था? बिल्कुल, रिपोर्ट पे मदर का नाम लिखा हुआ है। एज भी सेम थी? एज नहीं मैटर की है उसमें, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मदर का नाम लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है डॉक्टर जगमोहन। जब मैं सुबह 8 तारीख को मैं सुबह डॉक्टर सुरजीत से बात करता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको मैं व्हाट्सएप करता हूँ और वो बोलते हैं इट इज़ ए कैंसर, यू विल मेट डॉक्टर जगमोहन रेडिशन वाले से मिलो जाके जल्दी जल्दी आप। और मैं उसी टाइम गाड़ी करके 8,000 रुपये गाड़ी का किराया दे के यहाँ पहुँचता हूँ। जब मैं समय डोडा में थे? जी जी जी। अस्पताल का काम बड़ा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि एक पेशेंट का परिवार उस पेशेंट की जान की जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल को सौंप देता है। ऐसे में अगर किसी पेशेंट के परिवार को ये कहा जाए कि आपके पेशेंट को कैंसर है और बाद में ये कह दिया जाए कि नहीं, रिपोर्ट जो है वो बदल दी गई थी, आपके पेशेंट को कैंसर नहीं है, तो कैसा लगेगा? यही कुछ हुआ डोडा के रहने वाले रमाकांत जी के साथ। रमाकांत जी, मुझे ये बताएं कि आपका जो पेशेंट है, पेशेंट कौन था, कौन से अस्पताल में एडमिट था और एडमिट आपने क्यों करवाया हुआ था? जी नमस्कार, मैं वैसे मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन मजबूरी कोई ऐसी है, अगर इसमें मैं गलत करार दिया जाता हूं तो मुझे अगर फांसी की सज़ा भी लगती है तो मैं वो कर देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन बहुत अफसोस होता है मीडिया के सामने आने का भी। अभी मैं, अगर आप लोग ये आवाज़ मेरी ऊपर उठाएंगे तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 24 तारीख की बात है, मदर का ऑपरेशन अंकालोजी बत्रा में चल रहा था, वहाँ पे ऑपरेशन हो जाता है और उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है अभी तक कि मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। मुझे जब ऑपरेशन हो जाता है तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए रिपोर्ट कब मिलेगी। उन्होंने एक बायोसी की रिपोर्ट टेस्ट करवाया था, उन्होंने जब मेरे को फर्स्ट में उन्होंने वहाँ से क्वार्टर पे जो ये था बिल था वो दे दिया है 12,545 का, और मुझे कहा जाता है कि जब लास्ट फाइनल ऑपरेशन हो जाता है और मुझे 21,000 का बिल दिया जाता है, बोला 8,500 रुपये आपकी जो बायोसी टेस्ट का है उसका हम आपसे काट रहे हैं, तो आपको बायोसी टेस्ट करवा के आप रिपोर्ट दे देंगे उसमें क्या आता है। ये आपका ऑपरेशन किस तारीख को हुआ था? 24 फरवरी को, मार्च को? जी 24 फरवरी को ऑपरेशन होता है और मेरे घर में बीच में मतलब कुछ डेथ हो जाती है तो मैं घर पर चला जाता हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से सलाह पूछी है कि डॉक्टर साहब मुझे वापस कब आना है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जब आपका टेस्ट आ जाता है तो हम आपको रिपोर्ट भेज देंगे और आपको फ़ोन कर देंगे। अब मुझे बताएं कि जब बायोप्सी के लिए टेस्ट भेजा गया था उस समय आपको क्या कहा गया था कि कितनी देर में रिपोर्ट आ जाएगी? उन्होंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे रिपोर्ट में, और मैं कंटिन्यू उनको फ़ोन करता रहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या मैं भी तो परेशानी हूँ कि अगर बायोसी में कोई ऐसा वैसा होता है तो मुझे आगे ट्रीटमेंट करना है उसके लिए, अगर अपनी माँ के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, पहले हमारी धरती माँ है और फिर हमारी माता जी हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, लेकिन अब मैं वहाँ पर ऐसा जब मैं घर चला जाता हूँ और मैं कंटिन्यू उनको 2-4-5 दिन के बाद फ़ोन किया करता था, मैंने कहा फ़ोन करने से चलो पता चल जाएगा, उधर से उन्होंने नहीं किया, मैं इधर से ही करता था, मैंने कहा आया टेस्ट, वो बोलते नहीं अभी नहीं आया, आपका टेस्ट नहीं आया है। कितना समय आपने इसी तरीके से फोन करते करते बिताया? उन्होंने 10 दिन बोले थे, कितना समय लग गया आपको? अभी तो कम से कम 1.5 महीने की बात हो रही है, जब 7 मार्च को मैंने फोर्स क्या किया कि 5-6 फोन मैंने कंटिन्यू कर दिए, उनको वो भी गुस्सा आ रहा था कि ये फ़ोन क्यों कर रहा है हमें। जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नाम कर रहे हैं रोहित नाम का मैनेजर है, उससे मेरी बात कम से कम अगर मैं गलत हूँ ना, मेरे फ़ोन से आप ट्रेस कर दीजिए कि कितनी बार मैंने उसको कॉल की है। जब मैं उसको कॉल करता था बोला कोई बात नहीं, मैंने कहा सर मैंने कोई बंदा भेजा था यहाँ पर, आप बोल रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई है, बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा कोई बात नहीं। जब 7 तारीख को मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं और वो किसी और की रिपोर्ट भेज देते हैं, बोलते हैं आपकी मदर को कैंसर है। आप मुझे बताएं, आपको कब पता चला कि वो रिपोर्ट आपकी माँ की नहीं है, किसी और की है? और क्या रिपोर्ट के ऊपर नाम जो है वो आपकी माता जी का ही लिखा हुआ था? बिल्कुल, रिपोर्ट पे मदर का नाम लिखा हुआ है। एज भी सेम थी? एज नहीं मैटर की है उसमें, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मदर का नाम लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है डॉक्टर जगमोहन। जब मैं सुबह 8 तारीख को मैं सुबह डॉक्टर सुरजीत से बात करता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको मैं व्हाट्सएप करता हूँ और वो बोलते हैं इट इज़ ए कैंसर, यू विल मेट डॉक्टर जगमोहन रेडिशन वाले से मिलो जाके जल्दी जल्दी आप। और मैं उसी टाइम गाड़ी करके 8,000 रुपये गाड़ी का किराया दे के यहाँ पहुँचता हूँ। जब मैं समय डोडा में थे? जी जी जी। मेरे घर में डेथ हुई थी
तो मैं उधर से ही वहाँ पे अभी अभी तकरीबन आपको पता ही है कि लोग कितने देर तक चलते रहते हैं घर में, तो मैं एक तो उस टेंशन में था, दूसरा इस टेंशन में हो गया कि अगर मदर को ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे तुरंत जाना चाहिए। मैं गाड़ी लेके यहाँ पहुँचता हूँ और सुबह जब मदर आपके उस समय भी अस्पताल में ही एडमिट थी या मदर आपके साथ? मदर घर में थी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम जब ऑपरेशन किया था उन्होंने बोला जब रिपोर्ट आएगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। जब मैं वहाँ से वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और वो रिपोर्ट मैं व्हाट्सएप से निकाल के डॉक्टर नदीम हैं एक उनको मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा सर ये क्योंकि हमारे उधर डोडा के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की वहाँ पर, उन्होंने बोला भाई मेरा अपना पर्सनल पेशेंट है, इसको अच्छी तरह से देखिए आप, और उसका सिला मुझे ऐसे मिलता है कि आप क्या बताऊँ आपको, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं रिपोर्ट दे उनको दिखाई तो उन्होंने बोला भाई ये रिपोर्ट तो गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पेट स्कैन किया हुआ है, पूरी बॉडी का पेट स्कैन किया था, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली थी, उसके बेस पे उन्होंने जो है ऑपरेशन किया हुआ था। और जब रिपोर्ट देखता हूँ वो उसको रोहित को बुलाते हैं, रोहित बोलता है सर मिसप्लेस हो गई थी मेरे सामने, मुझे बोला मुझे ऐसी करंट आ गई, ऐसी करंट आ गई कि मेरा बीपी कम अज़ कम 150 से ऊपर हो गया है, अगर काश मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, वरना मैं उसको दिखाता कि ये मेरे सामने क्या बोल रहा है कि मुझसे पैसे लेके और मुझे बोल रहा है कि आपकी रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई है। जब दूसरे दिन मैं उसने नदीम सर ने मुझे भेज दिया, तो आपने पूछा नहीं कि अगर आपकी माताजी की रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई तो ये कौन सी फर्जी रिपोर्ट आपको भेजी गई? डॉक्टर साहब ने पूरा डांटा उसको, उसने बोला मुझे रिपोर्ट जो असली रिपोर्ट है वो दीजिए, और मुझे पता नहीं आप कहाँ से लाओगे। मैं खुद वहाँ से लेबॉरेटरी में चला गया, 1 मार्च को रिपोर्ट जो है वहाँ से लेबॉरेटरी से आई है उनके पास में, और मुझे कब 7 मार्च को फ्रॉड रिपोर्ट जो है वो किसी की सेंड करके मुझे मतलब इतना डिस्टर्ब कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि मुझे फ्रॉड रिपोर्ट दी गई है आपकी मदर को कैंसर है। अब तो अप्रैल का महीना चल रहा है, मुझे ये बताएं कि अप्रैल के महीने में क्या अब वो रिपोर्ट आपको मिली है? अभी परसों जब 9 तारीख को मैं है और मुझे ये रिपोर्ट दी जाती है कि आपकी रिपोर्ट ये डुप्लीकेट रिपोर्ट निकाल के दी जाती है, इस पर फ्लूट लगा हुआ है और ये डिप्लो, अब मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि ये रिपोर्ट मेरी मदर की है, जब पहली रिपोर्ट जो है उन्होंने वो मेरे को दी है किसी और की दी हुई है, और ये रिपोर्ट जो है मुझे डुप्लीकेट देके नीचे फ्लूट लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर सुजीत लिखा हुआ है, और ये रिपोर्ट देके मुझे बोल रहे हैं कि ये आपकी मदर को ट्यूमर है जी, पहले में इसमें कर रहे हैं कि कैंसर है। ये वाली रिपोर्ट जब आपने डॉक्टर को दिखाई इसमें क्या है, इसमें क्या आपकी माताजी को कैंसर है या नहीं? इसमें ये बोल रहा है कि आपकी मदर को ट्यूमर है, डॉक्टर सुजीत ने बोला है कि आपकी मदर को ट्यूमर है, आप जब हम ये पूरे सैंपल ले लेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो आप, पैसे भी मैंने पूरे दिए हैं आपको, आपने 12,000 जो है मुझे बिल दिया था, 21,000 लास्ट पे आपने दिया और 21,000 मैंने पेड किया है, कुछ भी हो मैंने कहा पैसों की कोई चिंता नहीं है, मेरे पास आयुष्मान का कार्ड बना हुआ है, जब मैंने उनको बताया कि मदर का आयुष्मान कार्ड है, ये मेरे पास टेस्ट पड़े हुए हैं, कम से कम 60,000 के टेस्ट करवाए हैं उन्होंने, ये पूरी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, ये वो बड़े बड़े जब बड़े कोई ज़्यादा बीमारी हो जाती है तो क्या फ़ायदा उस आयुष्मान कार्ड का, या हमें उसका कोई फ़ायदा है, 60-70,000 के मैंने टेस्ट करवाए हैं और मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है जी यहाँ पे, और मुझे ये रिपोर्ट दी जाती है। अब मैंने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, मुझे बोलता है कि आप जब हम दूसरे सैंपल ले लेंगे फिर आप कहीं दूसरी लेबॉरेटरी से टेस्ट कराइए। अब आपको दोबारा से सैंपल के लिए कहा जा रहा है कि दोबारा से सैंपल, पर आपके जो पुराने सैंपल हैं आप कहाँ से वो बायोसी का कहाँ से करवाएंगे वो, लेकिन मेरे जो ही वो है कि हमारे पास लेबॉरेटरी में सैंपल होते हैं, अरे किसको पागल बना रहा है यार, 2 महीने हो गए हैं, कौन सी लेबॉरेटरी है दो तीन महीने से सैंपल अपने पास रख रही है, और ये रिपोर्ट दी जाती है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डुप्लीकेट रिपोर्ट, और आप देखें अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं तो ऐसी जगह। आपने कहीं पर कंप्लेंट की कि इस तरीके से? मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की हुई है, 10 तारीख की है ये एप्लीकेशन मैंने पुलिस स्टेशन में डाली हुई है कि इन लोगों ने मुझे पूरा डिटेल लिखी हुई है कि इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, अगर ये मेरे साथ भी ऐसा करते हैं, हो सकता है इससे पहले कितने लोगों के साथ किया है, क्या बिजनेस बनाया हुआ है और इसके बाद क्या करेंगे ये लोगों के साथ, गरीब लोगों का तो बिल्कुल जीना ही हराम है इस देश में। कि आपकी मांग क्या है, अब आप चाहते क्या? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो मुझे दी जाए ताकि मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट में है कुछ नहीं है और मैं आगे ट्रीटमेंट कर सकूँ। मुझे इनके साथ लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मैं झूठ होगा, मैंने पहले आपको पहले बता दिया है कि अगर मुझे फांसी के फंदे पे भी चढ़ना पड़ेगा मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन अगर मैं सच्चाई लेके रहूँगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा इसके लिए। आप मुझे बताएं कि हो सकता है कि अस्पताल वालों से गलती होगी, गलती से दूसरी रिपोर्ट चली गई हो, क्या आपको आप अश्योर्ड हैं कि गलती से नहीं हुआ, जानबूझ के किया गया? बिल्कुल जानबूझ से किया गया है, जब 1.5 महीना हो जाता है कौन सी गलती है वो आप देखिए, ये पूरा उसमें लिखा हुआ है इस रिपोर्ट पे पूरा लिखा हुआ है शांति देवी लिखा हुआ है, डॉक्टर जगमोहन दीदा, अरे शांति देवी है, एज तो देखें वो कम से कम, उनका वो रिपोर्ट फाइल नंबर तो लिखा हुआ है ना किस डेट को किया है, ज़रूरी नहीं इसी डेट को उनका भी टेस्ट हुआ होगा।
मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, कम से कम उन लोगों को ये नसीहत लगे। वहाँ पे बिजनेस बना हुआ है, सरकार को भी देखना चाहिए कि कम से कम अगर गरीब लोग जो हैं अगर वो कहीं अस्पताल में जा रहे हैं और ये फ्रॉड अगर उनके साथ किया जाता है, अगर वो मैंने वो बर्दाश्त किया है कि मेरी माँ के लिए क्या कहा है उसने, अगर दूसरा कोई बंदा होता है तो उधर ही लटा देता, उसको दिखा देता कि क्या होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मीडिया से, ये चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो कम से कम दूसरे बंदे के साथ ऐसा ना हो। गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है अगर, तो उसका हमें यही लाभ मिलता है कि भाई यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, या 60-70 हज़ार का अगर मैंने ऑपरेशन किया है तो उस पर आयुष्मान कार्ड नहीं चलना चाहिए। आपने साफ तौर पर सुन लिया, इनके कहना है कि एस्कॉम बत्रा में ये अपनी माता जी को लेकर गए, उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद बायोप्सी का जब रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट में इस तरीके का मजाक इनके साथ किया गया कि किसी और की रिपोर्ट जो है वो इन्हें भेज दी गई। जब ये उस रिपोर्ट को लेकर अस्पताल पहुंचे, डोडा से लेकर जम्मू आए, और उसके बाद इनको ये कहा गया कि ये रिपोर्ट आपकी माताजी की है ही नहीं। इस तरह का मजाक आप पेशेंट्स के साथ ना करें, ये भी कानूनन जुर्म है कि आप इस तरीके से उस पेशेंट को और पेशेंट के परिवार को, जिनसे आपने पैसे लिए हैं टेस्ट करने के लिए, आप उन्हें गलत रिपोर्ट जो है वो भेज रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं कि इनकी माताजी को कैंसर है या उनके यूट्रस में ट्यूमर है, या ये बातें जब आप कह रहे हैं, तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बेटे को कितनी टेंशन होगी, कितनी परेशानी होगी, किस स्ट्रेस में जो है वो डोडा से जम्मू ड्राइव करके आएंगे, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता था इस स्ट्रेस में कि उनकी माता जी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, और ये कैसे मुमकिन हो पाया। लेकिन अस्पताल पहुँचे पता ये चला कि इनकी माता जी की जो है रिपोर्ट ही मिसप्लेस हो गई है, ये कोई और रिपोर्ट जो है इनको थमा दी गई। इस तरीके का मजाक आप पेशेंट्स के साथ ना किया कीजिए।